गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। गोलू पूरा फैल के बैठा है बेटा। तो यार आज फिर से अपन लोग सेठ जी हो क्या है? तो यार आज अपन लोग फिर से जो है डॉक्टर की विजिट है हम लोगों की, और डॉक्टर के पास जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने का है। और भाई आज मम्मी पता क्या कह रही मेरे को, अभी घर से निकलते टाइम मम्मी कह रही कि इस वाले अल्ट्रासाउंड में तो तू भी जा सकता है देखने के लिए। मैं सब में गया हूँ रे बाबा, मेरे को सब देखता है, सब देखा है मैंने अभी तक। तो मैं कहा उसकी आप टेंशन नहीं लेने का, वैसे होपफुली सब कुछ अच्छा ही रहेगा और भगवान की दया से। आधा घंटा हो गया मेरे को वेट करते हुए, और अभी गोलू आधा घंटे बाद बाहर अंदर से आई अल्ट्रासाउंड करा के, और आके बोल रही है कि अभी और टाइम लगेगा। डॉक्टर ने इसको बोला जूस वूस पी के आराम से अभी थोड़ा टाइम, दोबारा आइए थोड़ा रिलैक्स होकर दोबारा, क्योंकि बच्चा अभी मुँह दिखाई नहीं करा रहा। हाँ तो बोल रही थी मुँह दिखाई तो बोलते, मतलब पोजीशन ठीक नहीं है इसलिए शायद हो सकता है, बाकी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। थोड़ी देर में बताते हैं। तो मित्रों हुआ यूं कि सब कुछ नॉर्मल है भगवान की दया से। एक बार तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग, परेशान कर रहे थे। बट यह कि हमारा गलती उनकी नहीं है, गलती अपने बच्चे की है। बच्चा बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, डॉक्टर भी पहले तो सीधा ही नहीं हुआ, मुखड़ा नहीं दिखा रहा भाई, नहीं दिखाना मेरे को, चल जाओ तुम लोग। फिर डॉक्टर भी हंसने लग रही है कि ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, कर रही है, कर रहा है। फिर टिके ही ना, टिके ही ना, टिके ही ना, कभी वहाँ भागे कभी वहाँ। उसके चक्कर में अभी एक और अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा 15 दिन बाद इकोज के लिए, वो पता नहीं क्या होता है, बट वो शायद हार्ट के लिए कुछ होता है। तो वो अभी ये होते हैं ना, उसके लिए अभी ये रुका नहीं ना, इसीलिए नहीं हुआ। नहीं हुआ, अगर रुक जाता ना तो आराम से अभी कर लेते ये। बट बेटा पापा के पैसे लगवाता रहे कोई बात। अभी क्या है, थोड़ा 1:30 बज गया, लेट हो गया, तो यहीं पे खाना वाना खा के तभी किसी रेस्टोरेंट को देखते हैं कोई आसपास, और रेस्टोरेंट में कुछ खावा के निकलते हैं। मम्मी पापा, मम्मी ने खा लिया है, आनू भी अब तो चित होगी होगी वैसे, अब आज तो छुट्टी थी, आज तो आनू की छुट्टी थी, तो आज थोड़े ना सोया होगा वो, आज वो हमारा वेट करेगी। ये अपने आप कैसे स्टार्ट हुआ, मैंने तो क्लच भी नहीं दबाया। आज वो पूछेगी बेबी ने स्कर्ट पहना था, पैंट पहनी तो अच्छी हुई है यार, हवा चल रही है मस्त, और मौसम एक नंबर का हो रखा है, नहीं तो इतनी ज्यादा उमस बनी हुई थी ना, बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत सही मौसम। तो गाइस वी आर एट काके, कौन सी थी ये, अरे कौन सा था, काके दी रसोई। वी आर एट काके दी रसोई एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी गुड, वेल मेंटेन्ड। मतलब पानी पीछे किटी पार्टी चल रही है, आंटी या सॉरी बहने या जो भी कह सकते हैं आप, बिंगो खेल रहे, बिंगो आंटीज है, तो आंटीज बिंगो खेल रही है और फुल मस्ती मार रहे हैं, फुल मस्ती। जबरदस्त भर गया गोलू, द फूड वाज वेरी टेस्टी, ढंग से बंद कर उसको, एंड द रेस्टोरेंट इज वेरी कूल, मतलब अच्छा लगा। इतना पास में इतना अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया अपने को उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन ये दिल्ली है मेरी जान, यहाँ सब मिल जाता है। लास्ट टाइम भी देखा था इसको, देखा था इसको हमने तब भी, बट हम लोग एग्जैक्टली, बट ये कंप्लीट फैमिली प्योर वेज रेस्टोरेंट है, और विल गोइंग टू कम अगेन, डेफिनेटली विल गोइंग टू कम अगेन। घर चलते हैं, टाइम हो चुका है 2:30, 2:30 अरे मामू को क्यों मार के आएगा, मेरे को दिख रहा है तेरा गधा दिख रहा है, नहीं मामू को नहीं मार सकते यार। अभी अपन जा रहे हैं अपनी यहाँ गाड़ी की आरसी लेने के लिए, मैं सोच रहा हूँ बाइक से ही चला जाता हूँ, क्योंकि ये वाली जो गाड़ी है अपनी सेंट्रो ये खराब हो गई है, और इसको अपने को कब पता चला ये खराब हो गई है, जब पता चला जब अपन गोलू को डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। तो इसको दिखाएंगे कि कल पापा शायद आ जाएंगे तो कल ही दिखाएंगे। तो यार ये अपनी गाड़ी की आरसी जो है वो मिल चुकी है अपने को, अभी अपन जाएंगे मार्केट सीधा यहाँ से, क्योंकि मेरी और गोलू की दोनों की घड़ियों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट चल रहा है। गोलू की घड़ी में जो है सेल ख़त्म हो रखा है, इसको इसी में डाल देता हूँ, और मेरी घड़ी का जो पट्टा है वो ख़राब हो गया है। गोलू मेरे को बोल रहा है कि घड़ी चेंज कर ले, मैं घड़ी दे देती हूँ तेरे लिए। मैं कहा नहीं यार, इतनी अच्छी मस्त घड़ी लगती है मेरे को, वो उसका पट्टा ख़राब हो गया तो क्या हो गया, और महंगी भी है यार, तो सिर्फ एक पट्टे के चक्कर में अपन वो क्यों चेंज करें। अरे आनू ने मेरे को तो झुलाया ही नहीं अपने झूले पे भाई, ये छोटे बच्चे का है,
नहीं यार, ये मैं भी बैठ सकता हूँ इस पे, है ना? हाँ, अपने घुटनों में बिठा सकते हो, अपनी गोदी में बिठा सकते हो। अबे तो घुटनों का मतलब क्या, गोदी तो होता है। अरे तेरे घुटने टूट तो नहीं जाएंगे? तो चलो अभी इस पे खड़े ना होना पड़ेगा, आ जा इधर, नानू का सामान आ चुका। अब हम लोग नानू को लेने के लिए जा रहे हैं, है ना राजू? हाँ। नानू को लेने के लिए जा रहे हैं उनका तोहफा। अरे अरे मेरे को फिक्र है, इसको चलाना सीखेंगे। चलो अभी ये नानू लेके आए, नानू को थैंक यू बोला आपने। अभी मेरे को क्यों बोला, नानू को बोलने का ना। सर पापा इज बैक टू होम एंड अभी उनके कपड़े वपड़े से धुलने के लिए डाल देते हैं। अभी पापा आके स्टोरी सुना रहे थे हमें वहाँ की कि अरे गोलू बाथरूम में, क्या बाथरूम में? ओके नाया नहीं क्या अभी? अरे रे क्या टाइम लगेगा? ओके तो पापा वहाँ के बारे में बता रहे थे कि वहाँ पे जो अभी हादसा हुआ है, बादल फटने वाला, बहुत ही अनफॉर्चुनेट हादसा यार। न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि 10 से 15 ही आदमी मतलब जो है वो एक्सपायर हुए हैं, बट पापा एक्चुअली में क्योंकि वहाँ पे पापा जस्ट उसी जगह से एक ही दिन पहले ही है नीचे उतरे थे, तो ये लोग उसी लोकेशन पे थे नीचे की तरफ। तो ये बता रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पे, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो नहीं रहे, एंड काफ़ी सारे तो जो सोल्जर्स हैं हमारे फौजी भाई हैं, तो बहुत ही यार सुन के मतलब ऐसा लगा कि लाइक एकदम से तो ऐसा लगता है कि एक दिन पहले पापा भी वहीं थे, तो थोड़ा सा यू नो घबराहट सी हो जाती है। पापा ने अभी आते ही जो है अपना काम स्टार्ट कर दिया। मैंने बोल रहा था, मैं कहा यार बाद में कर लेंगे गाड़ी सही, पापा कह रहे नहीं एक बार तू बोनेट तो उठा उसके बाद देखते हैं कि जाएंगे या नहीं जाएंगे कहीं पर। आपके पास बैठ जाऊं, मेरे को मैगी खिला देगा? एक ही बार खिलाएगा क्यों? माँ मुझे प्यार नहीं करता क्या? नहीं, जब इसको फोन मिल जाए तो इसको किसी दूर देश दुनिया की जरूरत ही नहीं है बाबा। और आई थिंक आजकल सारे बच्चों का यही हाल है। अच्छे से बोल के बताओ। डायन काट खा लेगी? कौन है डायन? ये छोटे बेबी को ऐसे सुलाएगा? ऐसे सुलाएगा मुआना? मुआना को? मुआना को? अरे भाई बेबी के लिए स्कर्ट काट लाती है वो अच्छा लगता है। मरखनी बिल्ली शेर खान। अरे मम्मी भी आ गई गाड़ी लेके। शेर खान अरे उठ जा, पहले तो सो नहीं रहा था, उठ नहीं रहा। चाय बन रही है, ये पतीसा स्पेशली मंगाया गया इस बार, प्रेम प्रेम पतीसा। यार जब भी मैं अपना टी शर्ट उतारता हूँ तो मेरे को याद आ जाता है कि मेरे को जिम ज्वाइन करने का था, और मैं काफ़ी टाइम से ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सुबह उठ के जिम जाऊँ यार, बट पता नहीं कोशिश में कुछ कमी रह गई, थोड़ी सी कमी हो गई कोशिश में, इसी चक्कर में नहीं जा पा रहा, बट कल से मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा और अच्छी कोशिश करूँगा, हो सकता है कि मैं जा पाऊँ या उठ पाऊँ सुबह। घर पे ट्रिमिंग करने का ये घाटा होता है, पूरे शरीर पे बाल ही बाल चिपक जाते हैं, जब तक फिर नाओ नहीं ना सारा ऐसे ही रहता है कि बाल 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 बाल। मैं नहीं वाला। रील देख रहे हैं? ये कौन सा टाइम है रील देख? तो तुझे क्या लगा, तो तुझे सस्ती महंगी से करने का क्या है बाबा? तो तुझे तुझा दोबारा शादी करने का? गोलू डेस्टिनेशन वेडिंग का कोर्स देख रही है क्या? दोबारा शादी करने का है क्या? ओले भाई बच्चे जो जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए हैं उन बच्चों की शादी करने के लिए गोलू बात कर रही है। अरे तो बच्चे हमसे पूछेंगे थोड़े की शादी कर लें। हाँ बुलाएंगे वो बात मान लेता हूँ। चलो यार अभी जाते हैं शादी में, खाने वाने कुछ ऐसा मूड है नहीं, लेकिन फटाक से जाते हैं थोड़ा मोटा खाते हैं और आके मस्त अपनी सीरीज खत्म करेंगे।
यार मैं गोलू को फोन कर करके थक गया। मगर गोलू भाई एक सोनी लिव का वो देख ले तू, सब्सक्रिप्शन पैक कितने का है यार, टीवी में मेरे को सोनी के चैनल चाहिए। मैं सोन बोला, मेरे को बोला, मेरे मैंने को, देखा बोला तेरे को, मेरे को ये हो रहा है कि मेरे को सोनी के स्पोर्ट्स शूज चाहिए। स्पोर्ट्स शूज पागल है क्या? सोनी के स्पोर्ट्स शूज यार ये पागल हो गई है क्या? छोटी बच्ची हो क्या? सोनी के स्पोर्ट्स शूज मतलब ये कहाँ से निकला यार? अरे यार ये तो हद ही मचा दी इस लड़की ने भाई साहब। क्योंकि यार टीवी पे मैच हमने टीवी का कनेक्शन जो हटवा रखा है इसको जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए 50 रुपया रिचार्ज कर देते हैं। नहीं है सोनी के स्पोर्ट्स चैनल, इस पर कोई भी स्पोर्ट्स चैनल नहीं है। और जो स्टार के वाले जो आते हैं वो तो आ जाते हैं उस पे, हॉटस्टार पे, तो वो तो अपन आराम से देख सकते हैं। अपने पास जो सोनी लिव का है नहीं सब्सक्रिप्शन, तो वो ले लेते हैं फटाफट से मेरे को मैच देखने का अभी। आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में, इस व्लॉग को यहीं खत्म कर लेते हैं फटाफट से। सोनी लिव का हम लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे और मैच देख लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से मैच नहीं देखा है यार। अब तो लगातार सारे मैचेस जो है ना, आगे कॉमनवेल्थ गेम भी उस पर ही आने वाले हैं। सो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।